इस वर्ष जो है शनि गोचर कर रहे हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पर, दिनांक 6 अप्रैल 2024। कुछ राशियों के लिए यह विषय शुभ है और जिनके लिए शुभ है उसके विपरीत अन्य राशियों के लिए वो कुछ ठीक नहीं। इस पर एक लेख भी मंत्रालय वैदिक पाठशाला द्वारा पूर्व में लिखा गया है। इस पर विषय यह है, इस नक्षत्र के देवता बृहस्पति हैं एवं शास्त्रानुसार शनि 30 सालों बाद जो है कुंभ राशि में रहते हुए पूर्व भाद्रपद में नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। विशेषता, शनि जो है इस बार कन्या राशि वालों के लिए छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में उनको अदालत का कोई मामला हो उसमें सफलता मिलेगी, जो भी विरोधी होंगे उस पर वो विजय प्राप्त कर सकेंगे। मकान है, जमीन है, प्रॉपर्टी है, घर है, इसमें निवेश करने का यह सबसे उपयुक्त समय है जब शनि पूर्व भाद्रपद में गोचर करने आ रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए उनके चौथे भाव में शनि जो है वो गोचर कर रहे हैं। उनका वैवाहिक दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखद रहेगा। अनेकों जिनको ऐसे राशि वाले हैं उनका विवाह एक अच्छे घर में होगा एवं प्रॉपर्टी और उन्हें भी जमीन खरीदने का एक बढ़िया योग बन रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए शनि का गोचर बहुत बढ़िया साबित होगा। कुंभ राशि वाले पद प्रतिष्ठा इत्यादि में विशेष बढ़ोतरी होगी एवं आर्थिक रूप से शनि उन्हें लाभ देंगे। मकर राशि, शनि का गोचर जो है इस बार मकर राशि पे होने से शनि का नक्षत्र जो है वो परिवर्तन होने से वो बड़ा पुण्यदायी फल देगा। जो बहुत समय से जो पैसे कहीं रुके हुए हैं, जो पैसा नहीं निकल पा रहा हो, नहीं आ पा रहा हो, या अदालती ऐसा कोई मामला जो लंबित पड़ा हो वो इस बार त्वरित सही हो जाएगा। वृषभ राशि वालों के लिए शनि का गोचर उनके व्यापार में, नौकरी, पद प्रतिष्ठा में बड़ा लाभ दे रहा है। किसी नए व्यापार के, नए कार्यों का आरंभ वो कर सकते हैं इस बार और उन्हें वो उस पर कामयाबी मिलेगी। उनका जो रुका हुआ काम, जो बाधित काम वो पूर्ण हो जाएगा। इन राशि वालों के लिए जो अभी आपने सुना, इन सभी के लिए शनि का गोचर इस बार लाभ देता है।